Hello everyone, welcome to the layman way where we are completing fundamentals of physical geography and this lecture is a part of my two months geography course program to help you one step closer to your goal and guys this program is all free so don't forget to smash that like button, subscribe and also turn on the notifications. Alright if you want to view our full course you can always click on the i button in the top right corner and view our full playlist. And guys if you are following this program do not forget to leave a comment down below About your progress in the course, guys, so that we can motivate one another and let's get started. तो चलिए दोस्तों आज start करते हैं cloud से अपना lecture आगे continue करते हैं और आज हम पढ़ेंगे clouds. तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्लाउड होता क्या है जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है कि क्लाउड क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स जब यू नो आके आपस में बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस कर जाती हैं तो वो एक मास बना देती हैं बड़ा सा जिसको हम क्लाउड्स बोलते हैं राइट right? चाहे वो आई चाहे वो यू नो वाटर ड्रॉपलेट्स हों चाहे वो आइस की क्रिस्टल्स हों दोनों में ही क्लाउड्स बन जाते हैं तो ये बेसिकली जो आपको दिख रहा है ये क्लाउड जो दिख रहा है आपको ये है क्या ये एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स है ये बेसिकली पानी का पानी की ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हो गई हैं और वो पानी की ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होकर उन्होंने इतना बड़ा वाइट सा स्ट्रक्चर बना दिया है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड्स दीज आर कॉल्ड क्लाउड्स ठीक है क्लाउड्स तो का बेसिक ओरिजिन कहाँ से आता है कि भाई वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वाटर ड्रॉपलेट्स हैं अब ये बहुत ज़्यादा अगर हाइट पे हैं और टेम्परेचर बहुत नीचे है तो ये फ्रीज भी हो सकती हैं तो वहाँ पे ये यू नो आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो क्लाउड्स बेसिकली क्या होते हैं क्लाउड ज़रा यू नो मास ऑफ अ माइन्यूट वाटर पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनिंग क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द फ्री एयर एट कंसिडरेबल एस कंसिडरेबल एस मतलब हाइट पे बनते हैं ठीक है कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का तो वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में आके मिलती हैं और वो एक वैसा बड़ा सा सिस्टम बना देती हैं एक मास का यूनिट बना देती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्लाउड्स ठीक है अब क्लाउड्स जो होते हैं वो यू नो डिफ़ाइंड होते हैं मतलब उनकी नेमिंग होती है कि ये कौन सा क्लाउड है वो कौन सा क्लाउड होता है तो ये बेसिकली जो डेफिनेशन होता है ना का जो नेमिंग होती है वो हाइट के बेसिस पे होती है जो बहुत ही सरफेस के यू नो पास होते हैं तो वो हो जाते हैं लो कैटेगरी में आ जाते हैं जो बहुत ही ऊपर होते हैं तो वो हाई कैटेगरी में आ जाते हैं कभी आप हिमाचल वगैरह जाओगे तो आप देखोगे कि आपको दिखेगा कि क्लाउड्स यू नो बहुत ही सरफेस के बहुत ही नज़दीक हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत एलिवेशन पे हो है ना तो वहाँ पे जो क्लाउड्स बनते हैं वो बहुत ही आपको दिखेगा कि बहुत ही पास में आप कैच कर सकते हो तो वो लो कैटेगरी में आ गए अभी यहीं आप यू नो अपने जैसे सेंट्रल इंडिया में कभी आप आसमान में देखोगे आपको दिखेगा कि यार क्लाउड्स कितने ऊपर हैं तो वो हाई कैटेगरी में आ जाते हैं राइट तो इस टाइप से हम क्लाउड्स को डिफ़ाइन करते हैं तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि इसका नेमिंग देख लेते हैं नेम कैसे कैसे नेम देते हैं हम क्लाउड्स को है ना तो जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है क्लाउड्स की उसको हम बोलते हैं सिरस तो सिरस ये वाला ये दिख रहा है आपको इस टाइप का रहता है सिरस यू नो ऐसे वाइट फेदरी टाइप का रहता है है ना क्लाउड उसको हम बोलते हैं सिरस तो हाईएस्ट कैटेगरी में हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में ये आठ किलोमीटर से बारह किलोमीटर तक की रेंज में मिलता है आपको है ना ट्रोपोस्वेर के एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर ठीक है वहाँ पर आपको ये मिलेगा सिरस तो इसमें तीन तीन और आ जाते हैं सिरोस्ट्रेटस और सिरो क्यूमुलस तो ये याद रखना है आपको सिरस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिरस है तो सिरस आप याद रखना क्योंकि एन सी आर टीम दिया हुआ है तो सिरस जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी में आता है वाइट फेदरी अपीरेंस होता है और पतला सा रहता है पतला सा रहता है ठीक है फिर आपने एक ऐसे टाइप के भी क्लाउड्स देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं सिरो क्यूमुलस ऐसे मतलब ऐसे कॉटन टाइप के यू नो रहते हैं ये ऐसे हाई हाई एकदम बहुत ही ऊपर दिखेगा आपको बट कॉटन कॉटन जैसे होता है ना उस टाइप का दिखेगा तो वो होते हैं सिरोस और एक होता है सेरो स्ट्रेटस सीरोस्ट्रेटस स्ट्रेटस इस टाइप का दिखता है ठीक है फिर हम थोड़ा बीच में आ जाते हैं बीच में जब हम मिडिल एटीट्यूड्स मतलब मिडिल हाइट में आते हैं तो वहाँ पर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस ऑल्टो स्ट्रेटस और ऑल्टो क्यूमुलस ठीक है क्यूमुलस वाले जितने भी हैं ना तो क्यूमुलस वाले बेसिकली क्या होता है कि कुछ क्यूमुलेट होकर बन रहा है तो आप देखोगे ये यू नो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं पार्ट्स पार्ट्स क्लाउड्स के अलग अलग दिख रहे हैं आपको है ना तो ये कॉटन टाइप स्ट्रक्चर दिखता है ये ठीक है तो ये इसको हम बोलते हैं ऑल्टो क्यूमुलस जो मिडिल हाइट्स में होते हैं ऑल्टो क्यूमुलस और ऑल्टो स्ट्रेटस ठीक है फिर एक जो लो हाइट में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटस जो सबसे नीचे होते हैं स्ट्रेटस मतलब लेयर्ड लेयर होती हैं इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की लेयर होती हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेटस अब इसी में ही स्ट्रेटस आता है और स्ट्रेटस क्यूमुलस आता है और क्यूमुलस आता है तो देखो क्यूमुलस कैसा है ये भी ऐसे दिख रहा है ना ऐसे कॉटन टाइप है तो ये बेसिकली जो अपन क्लाउड्स बनाते हैं ना ऐसे उसमें जो अपन नॉर्मल क्लाउड्स बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं तो इसका बेस जो होता है वो फ्लैट होता है ठीक है बेस जो होता है वो फ्लैट होता है और ऐसे कॉटन टाइप स्ट्रक्चर रहता है है ना उसको हम बोलते हैं क्या कॉटन वूल टाइप स्ट्रक्चर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं क्यूमुलस ठीक है इस टाइप का रहता है जो सबसे नीचे रहता है और एक आते हैं निम्बो स्टैटस निम्बो स्टेटस आर रेन बियरिंग क्लाउड्स जो इससे बारिश होती है जो बारिश होती है ना वो इनसे होती है निम्बो स्टेटस वाले क्लाउड से ठीक है जो लाइट रेनफॉल होती है वो निम्बो स्टेटस क्लाउड से होती है तो निम्बो स्टेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो लो हाइट से आपके मिडिल हाइट तक एक्सटेंड करते हैं ठीक है फिर एक और आता है जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्यूमुलो निम्बस आर थंडर बियरिंग क्लाउड्स जो थंडर बियरिंग मतलब जो है जैसे यू नो साइक्लोनिक स्टॉम्स आते हैं यू नो थंडर स्टॉम्स आते हैं तो उसमें जो क्लाउड्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं क्यूमो निम्बस क्योंकि क्यूमोनिम्बस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये लो लो एल्टीट्यूड से एकदम हाईएस्ट टॉप तक यू नो एक्सटेंड करते हैं याद है जब हम साइक्लोन्स पढ़ रहे थे तो हमने बना हमने पढ़ा था कि जो क्लाउड्स हैं वो टेन टू ट्वेल्व किलोमीटर्स अबव द सर्फेस एक्सटेंड करते हैं तो वो यही क्लाउड्स होते हैं दे आर क्यूमोलो निम्बस क्लाउड्स ठीक है ये देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है इतना इतना बड़ा यू नो मॉन्सट्रस स्ट्रक्चर रहता है इस और यू नो क्लाउड का और बहुत ही ज़्यादा वाटर पेपर होता है हैवी रेनफॉल हैवी डाउनपोर होता है यहाँ से ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूमलो निम्बस ठीक है तो निम्बस समझ में आया निम्बस क्या है ब्लैक एंड डार्क ग्रे कलर के होते हैं है ना जो जब बारिश होती है तो देखा है ना काला काला आसमान हो जाता है तो ब्लैक एंड डार्क ग्रे कलर के जो क्लाउड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं निम्बस दीज आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन दिल ओपेक है opaque, ना काले से होते हैं तो दिल बी ओपेक टू द सन रेज तो उससे होती है बारिश हमारी ठीक है तो ये बस इतना याद रखना कि क्लासिफिकेशन कैसे है जो सबसे ऊपर रहते हैं वो सिरस और क्यूमुलस जो सबसे नीचे वाले रहते हैं वो स्ट्रेटस रहते हैं ठीक है स्ट्रेटस और क्यूमुलस सबसे नीचे वाले में आता है ये ध्यान रखना कि क्यूमुलस सबसे नीचे वाले में आता है सिरस सबसे ऊपर वाले में आता है और फिर दो क्लाउड और होते हैं जिसमें एक निम्बो स्ट्रेटस होता है दैट इज़ अ रेन बियरिंग क्लाउड और एक क्या होता है एक होता है क्यूमलो निम्बस क्यूमलो नम्बस इज थंडर बियरिंग क्लाउड्स ठीक है जो थंडर स्टॉमजेस से आते हैं करेक्ट अब देखते हैं अब जब ये क्लाउड्स यू नो जब जब ये क्लाउड्स बनते हैं यू नो तो वाटर वेपर कंडेंस होता है वाटर वेपर कंडेंस होता है तो जब ये क्लाउड का वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी एकदम हंड्रेड परसेंट रीच कर जाएगा ये सेचुरेशन पर रीच कर जाएगा तो क्या होगा एक्स्ट्रा वाटर गिरेगा एज वाटर ड्रॉपलेट्स राइट और वो जब वो वाटर एज अ वाटर ड्रॉपलेट गिरता है तो उसको हम लेंग्वें, क्या बोलते हैं उसको हम जोग्राफी की लैंग्वेज में बोलते हैं पेसिफिटेश और आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको रेनफॉल राइट रेनफॉल यही तो होती है जब बारिश गिरती है जब प्रेसिपिटेशन होता है है ना जब रेनफॉल होती है उसी को ही प्रेसिपिटेशन बोलते हैं तो वो कब होती है यू नो आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर पेपर द रिलीज ऑफ द मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन है ना जब वो आ, जब बेसिकली यू नो सैचुरेशन पे रीच कर जाती है एयर जब क्लाउड सेचूरेशन पे रीच कर जाते हैं और और वाटर पेपर वो होल्ड नहीं कर पाते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एज अ रेन ड्रॉपलेट्स ज़मीन पे गिरता है लैंड पे गिरता है जिसको हम बोलते हैं क्या जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन करेक्ट तो क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं एक बार पढ़ लेते हैं द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन फ्री एयर हेल्प्स द पार्टिकल्स टू ग्रो इन साइज व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ एयर फेल्स टू होल्ड देम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी दे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस क्या बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा है देखो क्या बोल रहा है कि जब यू नो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं अब एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं है ना तो इतना इनके पास यू इत, नो you know, इतना इनका मास होता नहीं है कि ये जमीन पर गिर जाए क्योंकि यू you नो know, नीचे से विंड का फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है ठीक है तो क्या होता है जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिल के एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं ठीक है एक बड़ा पार्टिकल एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बना देते हैं तो एक पर्टिकुलर साइज होता है जनरली से कि टू सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए ये इसका रेडियस ना रेडियस या पता नहीं डायमीटर है ऐसा कुछ होता है कि टू सेंटीमीटर तक के ऊपर होगा तभी ये रेन ड्रॉप जो है वो नीचे गिरेगा ज़मीन पे तभी इतना यू you नो know, इसके पास इतना मास आ जाएगा इसके पास इतना यहाँ एम जी जो ग्रेविटी होती है वो इतना फोर्स लगेगा कि जो नीचे एयर का फोर्स है उसको काउंटर कर पाएगा ठीक है तभी वो रेन ड्रॉपलेट गिरता है ऐसा नहीं है कि छोटा सा रेन ड्रॉपलेट गिर जाएगा वो तो हवा में निकल जाएगा समझ रहे हो तो रेन रेन का ड्रॉपलेट तभी गिरता है जब वो एक पर्टिकुलर साइज़ से बड़ा हो जाता है ठीक है तो वो यही बोल रहा है कि ये जो जो बड़ा साइज़ बनता है ये बनता है कैसे कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में आके कंबाइन करते हैं और ये एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं जो एयर के रेजिस्टेंस को काउंटर कर देता है और वो नीचे गिरता है ठीक है तो यही बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस कंडेंसेशन इन फ्री एयर कंटिन्यूसली जब कंडेंसेशन होता रहता है कंटिन्यूस कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा खूब सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे और खूब सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में आके मिल जाएंगे और मिल जाएंगे तो एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे करेक्ट हेल्प द कंडेंस पार्टिकल्स टू ग्रो इन साइज रेजिस्टेंस ऑफ एयर फील्स टू होल्डेंस द्रेविटी दे फॉल ऑन टू द अर्थ सरफेस ग्रेट फिर क्या बोल रहे हैं वेन प्रेसिपिटेशन इन दिन अब अब वो बोल रहे कि जब ये यू नो वाटर ड्रॉप जो गिरते हैं ये एज अ वाटर गिरेंगे तो उसको हम रेन बोलते हैं करेक्ट और जब ये एज अ स्नो गिरेंगे तो उसको हम स्नोफॉल बोलते हैं है ना शिमला वगैरह में स्नो फॉल होती है क्योंकि वहाँ पर सराउंड टेम्परेचर क्या होता है सराउंड टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है तो जब फ्रीजिंग पॉइंट जो सराउंडिंग टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा जो वाटर है वो स्नो में फ्रीज हो जाएगा और वो वाटर ड्रॉपलेट नहीं गिरेगा वो एज अ स्नोफॉल गिरेगा करेक्ट यही बोल रहा है अब एक और आता है टर्म जिसको हम बोलते हैं स्लीट स्लीट क्या होता है देखो स्लीट क्या होता है बहुत ही सिंपल कन्सेप्ट है कुछ नहीं है मान लो ये आइस का ब्लॉक है दिस इज़ आइस दिस इज़ माई आइस एक बड़ा सा आइस का ब्लॉक है ठीक है और यहाँ से मेरा रेन का ड्रॉपलेट आ रहा है जो कि लिक्विड वाटर है रेन का ड्रॉपलेट आ रहा है लिक्विड वाटर है स्नो नहीं है ये लिक्विड वाटर है राइट right? ये वाटर के फॉर्म में नीचे आ रहा है ये नीचे आ रहा है इधर अच्छा यहाँ तो टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं था बट जब ये आइस के पास आएगा तो आइस के पास क्या होगा जो एयर होगी जो यहाँ पे एयर की लेयर्स होंगी जो आइस के कांटेक्ट में होंगी वो क्या होंगी वो जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे होंगी राइट right? वो ज़्यादा ठंडी होंगी ना ऑब्वियसली क्योंकि ये आइस है आइस तो लेस देन ज़ीरो डिग्री सेल्सियस ही बनता है है ना तो इसके ऊपर जस्ट जो लेयर होती है वो इतनी ठंडी होती है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम होती है अब जब ये जब ये वाटर ड्रॉपलेट ये जब वाटर ड्रॉपलेट इस लेयर में एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा और जब ये ज़ीरो डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो ये वाटर ड्रॉपलेट आइस में फ्रीज़ नहीं हो जाएगा आइस क्रिस्टल में फ्रीज़ नहीं हो जाएगा हो जाएगा यस yes, डेफिनेटली हो जाएगा फ्रीज़र में जब आप पानी रखते हो तो वो फ्रीज़ क्यों हो जाता है क्योंकि भाई फ्रीजर का जो टेम्परेचर रहता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहता है वो जीरो डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तभी तो वाटर फ्रीज़ होता है ऐसे ही यहाँ पे भी फ्रीज़ हो जाएगा तो ये जब रेन ड्रॉपलेट आइस में कन्वर्ट हो गया ना तो ये जब एक्चुअली में सरफेस पर गिरता है तो वो एज अ आइस क्रिस्टल गिरता है ठीक है तो इसी ये इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड स्लीट तो स्लीट इज़ वॉट फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड री फ्रोजन मल्टेड स्नो वाटर ज़बरदस्ती का इन्होंने कन्फ्यूज़ कर दिया है यही होता है बस इतना ध्यान रखो कि जो वाटर पेपर गिरता है है ना ऊपर से जब वाटर पेपर गिरता है और वो जब स्नो आइस के कॉन्टैक्ट में आता है नीचे मतलब ठंडी लेयर्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो फिर से यू नो एज़ अ आइस क्रिस्टल फ्रीज़ हो जाता है और वो जब एक्चुअली फाइनली जब यू नो ज़मीन पे गिरता है तो वो एज अ आइस क्रिस्टल गिरता है जिसको हम बोलते हैं स्लीट दिस इज कॉल्ड स्लीट ठीक है अभी हम आगे दिखा भी देंगे डायग्राम में फिर एक होता है हेल हेल जो बोलते हैं ओले ओले गिर रहे हैं ओले पता है ना <coughs> ओले बोलते हैं ना ओले गिर रहे हैं ओले क्या होते हैं देखो ओले में ओले बनते कैसे हैं ओले ऐसे बनते हैं कि देखो जब एयर राइज कर रही होती है ठीक है तो उस वो वाटर पेपर लेके चलती है करेक्ट वाटर पेपर लेके चलती है अब मान लो ये क्लाउड है अपना ये पूरा क्लाउड है ये बड़ा सा क्लाउड है क्यूमलोनिम्बस क्लाउड है ये ठीक है तो क्या होता है इसमें जब यू नो वम एयर जब ऊपर राइज कर रही होती है अपना वाटर वेपर लेके ये देखो ये वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे है ना ये जब वाटर वेपर लेके ऊपर चढ़ रही होती है तो अब ऊपर ऊपर जब जाएगी हाइट में बढ़ेगी तो क्या होगा टेम्परेचर डाउन होगा तो एक पॉइंट ऐसा आता है ये 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 लाइन दिख रही है इस लाइन के ऊपर टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग लेवल से नीचे हो जाता है मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस से कम हो गया ठीक है जब ये टेम्परेचर जैसे वो ऊपर चढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा है अभी तो वाटर में है क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर कम हो रहा है धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है बट यहाँ पे आने के बाद क्या होता है ये वाली लाइन के ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो ये वाटर ड्रॉपलेट क्या करती है वाटर ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो जाती है आइस में राइट जो वाटर था वो अब आइस में कन्वर्ट हो जाता है है ना तो ये देखो आइस की आइस की आइस बन गए ये आइस बन गई ठीक है आइस की रेन ड्रॉपलेट बन गई जैसे याद है मैंने अभी पिछले में लीड में बताया था कि जब वो एंड में गिरती है तो वो फ्रीज़ हो जाती है और आइस एज आइस गिरती है तो वैसा ही आइस बन गया है अभी वैसा ही आइस क्रिस्टल बन गया ये ठीक है अब क्या हो रहा है ये आइस क्रिस्टल अभी भी ऊपर जा रहा है क्योंकि मोमेंटम है इसके पास अभी भी यू नो एनर्जी है इसके पास जो जिसको ऊपर लेके जा रही है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ये जब भी ऊपर ऊपर जाता रहता है जैसी ऊपर जाता रहता है ये इतना भारी हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कि ये फिर नीचे गिरने लगता है ठीक है रेन फ्रीजेस इनटू द हेल एंड ग्रोज लार्जर और ये लार्ज बड़ा होने लगता है बड़ा क्यों होने लगता है देखो ये रेन ड्रॉपलेट था देखो ऐसे देखो दिखाता हूँ ये मेरा रेन ड्रॉपलेट था ठीक है ये ऊपर जाने लगा ठीक है ये ऊपर जा रहा है क्योंकि वार्म है फिर ये लाइन है जिसके ये जीरो डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है जिसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो जीरो डिग्री सेल्सियस से कम है ठीक है जैसे ही इस लाइन के ये पार आया ये कन्वर्ट हो गया आइस में ठीक है ये अभी छोटा सा हेल बन गया है छोटा सा ओला बना है बड़ा ओला नहीं बना है तो ये अभी ऊपर जा रहा है इस क्योंकि इसके पास एनर्जी है फिर क्या होता है जब भी ये ऊपर जाता है ठीक है और फिर फिर एक पॉइंट आता है जहाँ से ये नीचे गिरेगा ऐसे स्पेस में थोड़ी चला जाएगा है ना नीचे गिरेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा तो अब जब ये नीचे गिरता है ना ये जब नीचे गिरता है जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ से और वाटर पेपर ऊपर आ रहा होगा ना ऐसा तो है नहीं कि ये एक ही वाटर पेपर का ड्रॉपलेट एक ही वाटर का ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आ रहा होगा यहाँ से और नीचे आ रहे होंगे ड्रॉपलेट्स तो जब ये नीचे आता है ना जब ये नीचे आता है और यू नो से से कि जो हेल है ये ओला है वो नीचे आ गया इधर आ गया तब तो क्या होता है जो सराउंडिंग वाटर वो ड्रॉपलेट्स होते हैं ठीक है वो इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं और वो इसके कॉन्टैक्ट में आके यहाँ ही पे फ्रीज़ हो जाते हैं समझ लो जब भी कोई ये ओले ओला जो है ये जो ओले हैं इनका जो ये आइस क्रिस्टल बना है इसका जो टेम्परेचर है वो जीरो डिग्री सेल्सियस से कम है है ना तो जब भी कोई वाटर ड्रॉपलेट इसे कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसका भी टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो वो क्या होगा वो फ्रीज हो जाएगा तो ये जब यू नो अक्रॉस मूव करता है ये जब डाउन मूव करता है तो डिफरेंट डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट जो हैं वो इसके अराउंड कंडेंस होने लगते हैं और इस यू नो इसका जो आइस क्रिस्टल का साइज़ है उसको बड़ा करने लगते हैं समझ रहे हो तो कभी देखा होगा आपने जब कभी अगर ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा ओले गिरते हैं तो ओले डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं करेक्ट कोई कुछ कुछ बड़े भी होते हैं वो बड़े कैसे बनते हैं वो बड़े ऐसे ही बनते हैं कि ये जो भी गिर रहा होता है इनिशियली जब क्लाउड्स के ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो एडिशनल जो वाटर पेपर ऊपर राइज कर रहा होता है वो इसके अराउंड कंडेंस होने लगता है और इसका साइज़ बढ़ा देता है तो दिस इज़ हाउ यू नो हेयर स्टोन्स आर फॉर्म बेसिकली ये देखो वो यहाँ से ऊपर गया थोड़ा साइज़ था फिर ये जब नीचे गिरा तो यहाँ से इसका साइज़ बढ़ने लगा ये बढ़ने इसलिए लगा क्योंकि ये जो वाटर वेपर है इसके अराउंड कंडेंस होने लगा धीरे धीरे ठीक है और फिर वो एज अल स्टोन गिरते हैं नीचे ठीक है तो ये कन्सेप्ट है ये हेल स्टोन्स का कंसेप्ट है कि कैसे बनते हैं ये ऐसे बनते हैं ठीक है थेके? फिर एक आर, हमारा कन्सेप्ट आता है कन्वेंशनल रेंट कन्वेंशनल रेन तो पता ही है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कन्वेंशनल रेन क्या होती है कि भाई लैंड हीट होती है एयर राइज करती है एयर क्लाउड्स बनाती है और जब उस क्लाउड जब एयर का जो सेचुरेशन लेवल uh, है वो रीच कर जाता है मतलब मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रीच कर जाता है तो वो फिर एज अ रेनफॉल एक्सेस वाट एक्सेस वाटर को एज अ रेनफॉल नीचे गिराती है दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल रेन वही है वो यही सेम कन्सेप्ट है जो हमें नॉर्मल रेनफॉल पता है वो वही है कन्वेंशनल रेन व्हेन द अर्थ सरफेस इज़ हीटेड बाय कंडक्शन अच्छा इसको कन्वेक्शनल क्यों बोलते हैं कन्वेक्शनल क्यों बोलते हैं क्योंकि भाई जब सन रेज से यू you नो know, लैंड uh, हीटअप हुआ है ना और एयर जो है वो कंडक्शन से पहले हीटअप होता है फिर मैंने बताया था ना कि कन्वेक्शन से एयर राइज करता है और जब भी कन्वेक्शन से एयर राइज़ करता है तो अपना हीट सराउंडिंग लेयर्स में देता है दिस इज़ हाउ एटमोसफियर वॉज हीटेड बाई कन्वेक्शन जब एयर राइज करता है वर्टिकली तब वो अपना हीट लूज आउट करता है एटमोसफेयर को है ना और जब हीट अपना लूज आउट करेगा तो क्या होगा कूल डाउन होगी एयर कूल डाउन होगी तो ऐसे ही तो कूल cool डाउन होती है जब कूल डाउन होगी तो क्या होगा क्लाउड्स बनेंगे क्लाउड्स बनेंगे तो और ऊपर जाके वो प्रेसिपिटेट कर देगा क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना टेम्परेचर कम होगा एयर का और उतना ही उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा ठीक है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो सेचुरेशन रीच कर जाता है उसके बाद वो रेनफॉल करने लगता है ठीक है तो वही बोल रहा है कि मॉइस्चर लाइड इन वेपर राइजेज एज हीटेड एयर एक्सपैंड एंड बिकम्स लाइटर एयर राइजेज इन कन्वेक्शन करेंट्स आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इंटेंस हीटिंग जब बहुत ज़्यादा लैंड हीटअप हो जाती है उसके बाद वो राइज करती है है ना इन असेंडिंग इट्स वाटर वेपर कंडेंसेज इन टू क्लाउड्स एंड वेन द सेचुरेशन पॉइंट इज रीच डाउनपुर अकर्स डाउनपुर मतलब रेनफॉल होती है जब उसका सेचुरेशन रीच कर जाता है है ना तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेन जो हमको नॉर्मल पता है कि एयर लैंड हीट होता है फिर एयर ऊपर जाती है है ना और चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन करेक्ट ग्रेट तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो क्वेरीज एट द रेट दिल वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पर हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर